हेलो सोल फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद तारा हिंदी। तो गाइस कर रहे हैं टैरो रीडिंग्स, जोडियाक टैरो रीडिंग्स, और ये पर्टिकुलर रीडिंग लियो सन मून राइजिंग के लिए है। एंड इस रीडिंग का टाइम फ्रेम 1st to 15th of November 2024 है। फर्स्ट ऑफ ऑल टैरो से देखेंगे कि आपके लिए क्या एनर्जीज आ रहे हैं फाइनेंसिस, करियर, हेल्थ एंड पर्सनल लाइफ में। एंड एंजल ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेजेस है ये देखेंगे एंड अफर्मेशंस भी देखेंगे। तो रीडिंग की शुरुआत करते हैं। रीडिंग से जुड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए आप अपना नाम एंड डेट ऑफ बर्थ कमेंट में ज़रूर टाइप करें। थैंक यू डिवाइन स्पिरिट फॉर गाइडिंग मी टुडे फॉर माय ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग लियो कलेक्टिव सन मून राइजिंग। 1 से 15 नवंबर की एनर्जीज आ रही हैं। थैंक यू। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंसिस देखेंगे। फाइनेंसिस में आया है 3 of Wands। ग्रोथ है गाइज, न्यू एरियाज जहाँ पर आप फाइनेंसिस को किसी तरीके की इनकम जनरेट कर सकते हो, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को आप देख रहे हो। आप एक ऐसा लग रहा है कि कुछ साइड हसल्स करना चाहते हो, कुछ पैसिव इनकम्स चाहते हो, तो इसके लिए आप एक्सप्लोर कर रहे हो। एंड आपको ना एक कुछ ना कुछ, जैसे कहते हैं ना कि क्लूज मिलेंगे, क्लू कि इसको फॉलो करो तो आपको कुछ ना कुछ फाइनेंसिस के मामले में लक या फिर फाइनेंसिस के मामले में ग्रोथ दिखेगी। तो कुछ क्लूज हैं, डिवाइन क्लूज हैं आपके लिए, ग्रोथ है। एंड फाइनेंसिस हो सकता है आप बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं, इसके लिए ट्रैवल भी है। तो आई थिंक फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए ट्रैवल भी है यहाँ पर आपके लिए। करियर प्रोफेशन में देखेंगे 10 स्टार। यार ये तो ना सब कुछ, एवरीथिंग गुड जो आप सोच सकते हो, चाहे वो प्रमोशन, चाहे वो न्यू जॉब, चाहे वो अपग्रेड, चाहे वो बोनस, चाहे वो मतलब एवरीथिंग गुड एंड एनी विश यू कैन मेक एट दिस पॉइंट। अभी आप वीडियो पॉज करके जो भी करियर और प्रोफेशन के लिए विश करोगे ना, अभी इस वक्त योर विश विल कम ट्रू। बिलीव मी, यूनिवर्स इज सेइंग दिस, योर विश विल कम ट्रू। आप अभी वीडियो पॉज करें और एक विश मांगें और अपने विश कमेंट में भी टाइप करें। ये ब्लेसिंग को मत जाने दो, इस ब्लेसिंग को क्लेम करो। ओके, अमेजिंग। हेल्थ के लिए देखेंगे 3 of Cups। हेल्थ काफी मेलो रहने वाली है। आप देख रहे हो कैसे कोहरेंस है चीजों का। आई थिंक हेल्थ के मामले में 3 of Cups से मुझे सेलिब्रेशन दिख रहा है। सेलिब्रेशन इन द सेंस कि बहुत लाइट नोड है हेल्थ को लेकर, ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, सब कुछ ठीक है। हल्का बहुत कुछ हो भी गया तो बहुत माइनर, लेट्स से हो सकता है कभी सोते सोते थोड़ा गर्दन में, नेक में पेन हो गया, मतलब बहुत माइनर, कुछ भी नहीं। हेल्थ के लिए भी बहुत अमेजिंग ब्लेसिंग आई है, बहुत अमेजिंग एनर्जी आई है। मुझे ना किसी कैंप में जाते दिख रहे हो, जैसे हो सकता है ब्लड डोनेट करने जा रहे हो या फिर आप किसी योगा कैंप में जा रहे हो, मतलब किसी तरीके से ना लोगों से मिल रहे हो फॉर हेल्थ पर्पसेस। तो मुझे लग रहा है कि जैसे शिविर्स वगैरह नहीं होते, योगा शिविर एंड योगा रिट्रीट्स एंड मेडिटेशन रिट्रीट टाइप ऑफ थिंग, तो वैसा भी कुछ लोग के लिए दिख रहा है। कुछ लोग ऐसी चीज़ों, ऐसी जगह पर जा रहे हैं या फिर उस तरीके के लोगों से मिल रहे हैं। बट ओवरऑल हेल्थ गुड। पर्सनल लाइफ द हैंग्ड विमेन गाइस, पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है बहुत लंबे समय से चीज़ें स्टक दिख रही हैं एंड कहीं ना कहीं आप अब सरेंडर की एनर्जी में आने वाले हो। और अगर नहीं आए हो तो गाइडेंस ये है कि सरेंडर की एनर्जी में आ जाओ, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले। अगर हैंग्ड विमेन, हैंग्ड मैन का कार्ड आया है तो डेफिनेटली चीज़ें अपने टाइम आने पर ही मूव होंगी। आप कुछ भी कर लो वो नहीं ऐसे मूव होंगी। आपको एक बार सरेंडर, जब ट्रू सरेंडर, ठीक है, उस सरेंडर की बिना फिर टेस्ट होता है, यूनिवर्स टेस्ट लेता है कि आप सच में सरेंडर की एनर्जी में आए हो कि नहीं आए हो। तो वो ट्रूली आपको सरेंडर करना होगा पर्सनल एरिया में, चाहे वो फैमिली है, भाई बहन, मम्मी पापा, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स एंड बच्चों के बीच जो भी मैटर है, ये लवर्स के बीच का मैटर है, तो एक बार ना आपको सरेंडर करना पड़ेगा, ठीक है, तभी चीजें मूव होंगी। एंड फिर वो ऐसे मूव होंगी जब ऊपर वाला ले लेता है ना अपने हाथ में चीजें,
उसके प्लान को तो फिर आप सोच भी नहीं सकते, इस तरीके से रास्ते बनते चले जाते हैं। ठीक है, तो पर्सनल लाइफ में मैं आपको कहूँगी थोड़ा सा सरेंडर की एनर्जी में आओ। ओके, लियोस अभी देखेंगे, हाँ जी लियोस अभी देखेंगे एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसके लिए क्लैरिटी चाहते हो तो अपने माइंड में इस वक्त जब मैं शफल कर रही हूँ क्वेश्चन रिपीट करें एंड एंजल से प्रे करें कि आपको गाइडेंस दे मेरे थ्रू। तो थैंक यू डिवाइन स्पिरिट एंड एंजल्स फॉर गाइडिंग मी टुडे फॉर माय लियो कलेक्टर्स फ्री कार्ड्स माय लियोस गाइडेंस कार्ड्स। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कोई इवेंट के बारे में आपने पूछा था कि घर कब तक हो पाएगा, गाड़ी कब तक हो पाएगी, प्रमोशन कब तक होगा, जॉब कब तक होगी, तो उसके लिए आंसर आ रहा है विद इन अ फ्यू मंथ्स जो भी क्वेश्चन था आपका। ओके, हेल्थ कब तक इम्प्रूव होगी, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, रिकंसिडर जो भी ये क्वेश्चन कुछ लोगों के लिए आपको शुरू करना चाहते थे, शुरुआत कर रहे हो या आपने कुछ डिसाइड कर लिया है, फाइनली डिसाइड कर लिया था किसी भी बात के बारे में, शादी हो सकती है, ये कोई पार्टनरशिप हो सकती है बिजनेस को लेकर, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स जो मुझे चैनल हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अलग डिफरेंट चीज़ें भी हो सकती है, बट आपको ना एक फाइनल बार रिकंसिडर करने के लिए कहा जा रहा है। रिकंसिडर करो यार अपना, कोई ऐसा डिसीजन है जो आपको एंजल्स कह रहे हैं रिकंसिडर करो। एंड नो, बहुत सारे लोगों के लिए अभी इन दिस मोमेंट आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आपको कहा जा रहा है रिकंसिडर करो। ठीक है, एंजल्स की यही गाइडेंस है रिकंसिडर करो, इसलिए नो है ये आंसर आपके लिए। बहुत ज़्यादा अगर किसी रीडिंग में आंसर नो आए ना, आप समझ जाना आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, मतलब बहुत ही हद प्रोटेक्टेड हो आप, क्योंकि नो इतनी बड़ी ब्लेसिंग होती है ना। ऊपर वाला आपको नो बता रहा है ना किसी चीज़ के लिए, मतलब आपको किसी बहुत बड़े खतरे से बचा रहा है ऊपर वाला। ठीक है, उसको नेगेटिव मत सोचना, वो पॉजिटिव है। ओके, फाइनली लियोस के लिए एफर्मेशंस देखेंगे। एफर्मेशंस क्या आ रहे हैं? आई एम काम एंड सेंटर्ड, ग्राउंडिंग करने के लिए कहा जा रहा है। दिमाग में ज़्यादा हो, फ्यूचर प्रेजेंट फ्यूचर एंड पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे हो तो थोड़ा काम स्टेट में आओ। ओके, आई कैन परसीव दिस सिचुएशन थ्रू ए काम एंड रेशनल परस्पेक्टिव। भाई साहब, पर्सनल लाइफ में क्योंकि हैंगमैन आया ना, तो आई थिंक पर्सनल लाइफ के एरियाज में बहुत सारे लियोज को कुछ ना कुछ इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, तो वहीं पर आपको काम रहने के लिए कहा जा रहा है। आई एम इनफ, आई डू इनफ, आई लेट गो। जितना कर सकते हो उतना करो और जो नहीं कर सकते उसको लेट गो कर दो। ठीक है, कोई भी एक्सपेक्टेशन ना खुद से एक्सेसिव रखो ना किसी सामने वाले पर्सन से एक्सेसिव एक्सपेक्टेशन रखो, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन का भार बहुत भारी हो जाता है, उसको फिर रिश्ते नहीं उठा पाते, फाइनली टूट जाते हैं। ओके, तो ये आपके लिए मैसेजेस थे लियोस। आई होप ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी हो और पसंद आई हो, और अगर कुछ भी हेल्प मिली है, अच्छी लगी है रीडिंग, तो लाइक करें एंड शेयर करें, और अगर फ्यूचर में ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी और रीडिंग के साथ या किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।